घुमंतु जीवन यापन करती रही घुमंतु जातियों को शताब्दियों की करवट का एहसास भले ही नहीं हुआ, लेकिन पिछले दशक में बदलाव की तेजी ने समस्त विश्व में परिवर्तन के नए समीकरण गढ़ दिए हैं। पिछली कई शताब्दियों से समय और दौर चाहे जो भी रहा, घुमक्कड़ जातियों की जीवन शैली अपने चिर परिचित अंदाज में ही जीवंत रही। पहले ऐसे ही डेरे लगे फिर से, आज यहाँ है कल वहाँ फिर वहाँ है, नो फिरते। इन द नोमैडिक कम्युनिटीज हु आर ट्रैवलिंग वेयर एंड आर इन अ डिसएडवांटेज पोजीशन बिकॉज यू डोंट हैव एन एड्रेस, इफ यू डोंट हैव एन परमानेंट एड्रेस देन यू आर नॉट काउंटेड एंड इफ यू आर नॉट काउंटेड एज अ सिटीजन देन यू डोंट एग्जिस्ट एज अ सिटीजन। ये गाँव से वो गाँव घूमते हैं, उनके वोटर्स लिस्ट में उनका नाम नहीं है, रेशन कार्ड नहीं मिलता है, बीपीएल की जो लिस्ट है दारिद्र रेशे के नीचे रहने वाले लोगों की, उनमें उनका नाम नहीं आता है। ये जैसा घुमंतुपन कारण है, उससे उनका अज्ञान भी कारण है। उस टाइम तो मैंने पता नहीं था 109 है कि 106 है क्या है, वो किसी का ऐसे है कि भाई किसी रात को किसी को आदमी को पकड़ लेता है तो उसको बंद कर देता, उसको 109 होती है। उस टाइम हमें पता ही नहीं था वो 109 है कि 106 होती है कि 10 होती है। वो फिर वैसे उसमें डोलने फिरने से जंगल खाली रहा नहीं, मुलतानी उलतानी के टाइम पीछे औलाद हुई तो उस देख लिया भाई कोई मजाली बात नहीं, तो बैठ गया जगह जगह डेरा उठा के ला के हमने ये मौका देख के प्रतिपरा जंगल में हमने डेरा डाल दिया। अपने आप को प्रकृति की संतान समझती आई घुमंतु जातियों ने समाज और प्रशासन से टक्कर ले यह नारा बुलंद करते हुए कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, यह कहकर अरावली की इन तलहटियों में अपनी ढानियां बसाई। कोई पूछेगा तो ये क्या है, पहचान पत्र है। और पहचान पत्र क्यों है, क्योंकि इससे हमारी पहचान है। संवैधानिक अधिकारों के दायरे से बाहर रहे घुमंतुओं को विगत 15 वर्षों से अरावली की तलहटी में बसाने और पहचान दिलाने की प्रक्रिया ने 50,000 से भी अधिक घुमंतुओं तक पहुंच बना सफलता के जो मापदंड तय किए उसके पीछे रहा घुमंतुओं का जीवन ज्ञान से अक्षर ज्ञान तक धीमा सघन और गहरा सफर। भौगोलिक दृष्टि से बाहरी समाज के लिए अगम्य पहाड़ी तलहटियों में डेरे और सांस्कृतिक दृष्टि से रहस्यमय जीवन शैली जीते इन घुमंतुओं के बीच शिक्षक के जरिए शिक्षा पहुंचाने का काम प्रत्यक्ष दर्शियों के लिए असंभव ही था। ये शिक्षक का तो काम बहुत महत्व है आज की इस टाइम को देखा, लेकिन धीरे धीरे ये काम होगा, शिक्षा बहुत महत्व चीज होगी, समझने लग गया लोग, हम भी समझने लगे, शिक्षा पूछे ढानियों में, शिक्षा पूछे लोग को जागरूक हुए। Thank you.
मामराज ने स्वयं ही समाज सेवक से शिक्षक की दूरी तय कर बाहरी समाज यानी देसी और विदेशी मूल के जज्बाती लोगों को साथ लेकर घुमंतुओं के डेरों में सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत की। तो महाराज अगर पढ़ाएगा तो पढ़ोगे? बकरी कौन चला मेरी? बकरी चलाऊंगा तो अभी हम पढ़ाएंगे तो आप पढ़ेंगे। अब मान देखिए फटाओगे या ना फिर डाओ जो चौका लग रही है आपको फट तो मारी इनको भी पढ़ाएंगे आपको भी पढ़ाएंगे आप पढ़ेंगे फट लेंगे फिर डाली। पढ़ना बहुत आसान है हाँ। वो भैंस चलाना ज्यादा मुश्किल है बहुत मुश्किल से ये ना। पढ़ाई लिखाई का आपके साथ जब शुरू करें तो आपको शर्म तो नहीं लगेगी? ना कुछ शर्म ना है कुछ ज्ञान आओगे हमको शर्म क्या लगेगी हम भी कोई आगे जमाना पलट गया अब शर्म के की अब तो कुछ की शर्म नहीं अब तो हमको भी दो ज्ञान बताओ जो हम भी कोई तुम्हारा मलाव से बात करो तो हम भी कोई कानून से बात करो। जी ये मुंदी ले लो हीरो में जी मुंदी ले लो हीरो में जी थैंक यू और ले लो मोरी मोरी इसका नाम अलिंका हाय वी हियर इन द बागवाड़िया कम्युनिटी इन वेयर आर वी नारायणपुर एंड आई एम हियर विद मोरी हू इज शोइंग मी टू वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर हर एंड हर कम्युनिटी द फर्स्ट दिस The first one is a statement from the local government to say that she is below the poverty line. Her and her family are below the poverty line. They really have the most basic of resources. They have very little access to water. The well is very far away. And they're struggling for survival every day. ये गरीबी तो जाती है माता पिता हैं उनके वो भी अनपढ़ हैं ये पहले के बड़े बूढ़े अच्छा जिससे पास पीछे बीच की औलाद है तो वो भी सगन पड़े बच्चन को क्या करते हैं एक एक दो दो बकरी ले देते हैं किसी के पास भैंस तो ख्याल रखी है इसी महंगाई में उनको भेज देते हैं चराने को मांगने खंडा देते हैं बच्चों को जाओ घूमे आओ गांव बस्ती में पढ़ाई की कोई शिक्षा नहीं देते हैं। जब हम इन क्षेत्रों में जाते हैं तो ज़्यादातर जो वहाँ के जो समुदाय हैं वो ये सोचते हैं कि ये इस बात को समझ ही नहीं पाते पहली बात तो कि शिक्षा का अगर हम शिक्षित होंगे तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे हमारा समाज किस तरह आगे बढ़ेगा तो सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि इनमें इनके मन में ये बैठाना पड़ता है कि शिक्षा से आप किस तरह अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और आप ये देखिए कि इनकी जो पारंपरिक जो रूढ़ियाँ हैं उनको ये नहीं तोड़ना चाहते और ये सोचते हैं कि हमारी जो रूढ़ियाँ कहीं लुप्त नहीं हो जाएं या वो ख़त्म नहीं हो जाएं और इनकी जो विचारधारा ये होती है कि ख़ास तौर से महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए कि हम अपनी बच्चियों को बाहर निकालेंगे तो इनके साथ पता नहीं ऐसा कौन सा अन्याय हो जाएगा। अब ये मतलब काफ़ी रूढ़ीवादी काफ़ी क्योंकि थोड़ा कबीलाई है ये तो कबीलाई तुम जान दो कबीले तो है ना जो कबीलों में तो बहुत ही जल्दी से फ़र्क नहीं आता कबीला प्रथा ज़्यादा है। नमस्ते नमस्ते पापा ने बुलाया लड़ाई क्यों होगी दारू पी रखी हो भाई ने अच्छा
बुढ़ी बुढ़ा को उल्टी सुल्टी बोले क्यों बोल लेते हम। अच्छा थका देने वाली दूरी तय कर निरंतर घुमंतों के टांडों से संपर्क साधते मामराज को जल्द ही यह एहसास हो गया कि सख्त पथरीले गर्म पहाड़ों में घुमंतु पाठशालाओं को धरातल देने के लिए सबसे पहले घुमंतु समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों की जड़ों को उखाड़ना होगा। लड़े झगड़ा मत करो, कुछ नहीं लड़े झगड़ा करना वक्त नहीं रहा आजकल, एक दूसरा मलने रहो, शिक्षा मत घोर दो, पढ़ाई भी घोर दो, कुछ कुछ को सीखो, सहन करना एक जाओ तो अपना आप जिंदगी बल जाए आगे आगे, बच्चों ने बढ़िया अपना आप टाइम पल जाएगी, अपना आप जब तुम सब शिक्षित हो जाओगे तो अपना आप धीरे धीरे अपना आप बल जाएगा, लेकिन पढ़े भी बच्चों ने सब में घोर लगा हुआ कि भाई बच्चा पढ़े कुछ आगे काम आवे, और आप भी सीखो समझो, लड़े झगड़ा करने का वक्त थोड़ी आपको। लेकिन घुमंतु जातियों को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें जीवन ज्ञान से अक्षर ज्ञान के लिए तैयार करना उम्मीद से ज्यादा चुनौतीपूर्ण निकला, और जब सब इकट्ठा हुए तो उभर आए घुमंतुओं को अलग करते व्यवसाय और जाति के आधार के, जो हमारी समाज होती है ना, जिसका नहीं खाते तो नहीं खाते जी, जी, और वो अपना आप सूखा लेकर अपना बना के जी, तो खा लेता जी, 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 देखो जी फिर क्या है, इसने रुपया क्यों फेंका मेरे लिए, केसरनाथ तो समाज में बुलाता है फिर मेरे लिए सब चीज की हाथ की रोटी खुलाता, इसलिए रुपया फेंका ऐसा समझ लो। अब मेरी समझ सुन ले तू, इसमें भाई छोटे भी है बड़े भी है, खून अपना एक है, भारत अपना चाहे अलग है, पर यहाँ तो एक संस्था के अंदर सब एक ही मिले हुए, इसमें तो भाया कोई इधर नहीं जाना पड़ेगा ना इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, ये एक मटकी रखी है। जिन्हें पाटने का काम किया समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सभाओं में अक्षर ज्ञान के पक्ष में माहौल बनाया गया। मैं मान गया कि तेरी मर्जी पड़े तो खा, मर्जी पड़े मत खा, तो के तो आजा तू काजा में ही मानसा में, और के आजा बारह प्रदेशी में, बारह प्रदेशी में आए तो मिलके चल। पिताजी नो के दशरथ रोते चरथ भरत दोनों भाई, माता कौशल्या मेलन रोती सिर दुनिर बन मचाई, बन तू भेज दिए भगवान, बन तू भेज दिए भगवान। झिरमिर झिरमिर में बरसत पवन चले पुरवाई, रामा पवन चले पुरवाई, पिता पड़ती राम लक्ष्मण पे भीगी रे दोनों भाई, बन को भेज दिए भगवान, बन को भेज दिए भगवान। दास कबीर जी कथिके गाते के कई मन पिछताई, बन को भेज दिए भगवान। पर पढ़ने का तो मैं कितनी भी आधी उम्र आ गई, मेरे को बहुत शौक है इससे, मैं खूब क्यों एक कई बच्चे हमारे पढ़े लिखे, उनके दिन में एक घंटा की पढ़ाई दे दी मेरे, और भी नहीं तो भजन की भी कोई किताब हिंदी में आती है, उनको भी गा सकते हैं बजा सकते हैं, तो उसमें बहुत दिमाग आ सकता। घुमंतु पाठशाला के पहचान पत्र से मिले आत्मविश्वास ने घुमंतुओं को ग्राम पंचायत के राशन कार्ड और फिर मतदाता पहचान पत्र दिलवाने में खासी भूमिका अदा की, और यह थी घुमंतुओं में मौखिक ज्ञान से अक्षर ज्ञान के सफर की एक ठोस शुरुआत। Thank you.
ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के चलते मामराज के नेतृत्व में न केवल घुमंतू महिलाओं को प्रोत्साहन दिया बल्कि उन्हें बसाव के साथ साथ पंचायतों के चुनाव में लड़ने के लिए भी प्रेरित किया जिसने घुमंतू जातियों की जीवन दिशा बदल दी। डेरा बामणास का रहने वाली हूँ, पहली बार जीती हुई हूँ, ग्राम पंचायत बामणास, तहसील थाना गाजी अलवर जिला, मैं पंच हूँ। मेरा नाम शारदा है, मैं 11 वार्ड में जीती हुई हूँ, बाढ़ रायपरिया बनजानों की बस्ती वहाँ का मैं वार्ड पंच हूँ सर। 312 वोटर्स जीती। नाम तो गेंदी है, जाति बावरिया है, गांव सोटाना है, चौथी वार्ड है। मोरी ये बताओ कि जब पहली बार चुनाव में खड़ी हुई तो कैसा लगा? चुनाव में खड़ी हुई जब भाई कैसे लड़ी हम चुनाव में खड़ी हुई, हमारा पहला वोट मीणा खड़ा हो गया मेरे सामने, मीणा खड़ा हो गया, वो तो कह वोट मेरे को दो, हमको दो, यहाँ लड़ता अब जन वोट पड़ेगा जिनके 3 दिन बाद में आके वो कहीं करे फैल जमा करावे नहीं हुआ यार, फैल जमा कराऊँ वो दिन आके मीणा खड़ा रह गया, कह मैं जीतूँगा, मैं कह दी मैं जीतूँगा सब, यहाँ करता करता बाद में फिर वो बैठ गया, हमारे देखा नहीं गणा सारा वोट तो वो बैठ गया, फिर मैंने गाँव का चाहता जो ना विरोधी में कर दी। हम ग्राम सभा में अपनी मीटिंग में बैठते हैं चिपराड़ा गाँव में, तो उसमें बैठते हैं हम जैसे बूढ़े बड़े हैं, जिसका कोई घरवाला गुजर जाता है, जो आदमी आँखों से लाज हुए हाथ पाँवों से लाज हुए उसकी पेंसिल बंधवाते हैं, और अपना ये कि भाई जैसे राशन कार्ड है किसी का पट्टे कटते हैं, किसी की आबादानी में जगह है, किसी की वो उसमें जगह, उसका हम सभी उस धारण करते हैं, अपनी मीटिंग में जाके काम सारा करते हैं। उस समय आपको उम्मीद थी कि पंच ये करता है, पंच के पास इतने अधिकार होते हैं, या पंच कोई पढ़े लिखे होते तो वो बात करते, पढ़े लिखे कभी कलम ही नहीं चलाई, कभी देखे नहीं पढ़े लिखे बूढ़े बड़े को, उसमें ये तो पढ़ाई तो अब चल रही है बच्चों की लड़कियों की, तो थोड़ा थोड़ा आया कि जैसे बैठेंगे वैसे ऐसे बैठेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान आएगा, सीखते चले जाएंगे। पादे कटोरो मीठो दूधरी मामी जी ये तो पादे रे कटोरो दूध भरते पुला देरी बाड़ी देवी कोई अब तो शर्म थोड़ी बहुत अटी, पहले तो घूंघट मार के हम ऐसे कहते तुम खड़ा रह जाता, मैं कैसे बोलूंगा साबित हूँ तुम से, उन्होंने शर्म आती कि भाई कैसे बोला गंज, अब तो और भी शंका खुल गया भाई बैठ बसो उठ बसो, तो भाई अब तो कैसा ही आदमी सुझा के मलनो पड़े। अब आपको क्या लगता है कि आपको अब ज्ञान मिला है, कितना मिला है ज्ञान? यही मिला है कि साहब अब जो उबीजा बताते हैं बिरादरी भाई की, अपने भोपो लोगों की, गरीब साहित्या की, तो करते हैं तो 10-5 जगह ऐसे हम करवा भी दी है, और अब देखो उम्मीद तो है करवाने की। एक गांव की पंचायत जो होती है उसका क्या अधिकार होता है, पंचायत क्या क्या कर सकती है? पंचायत ऐसे करे साहब, हमने गांव राम ऐसे कह दिया भाई मेला सीट आ गई इसके ऊपर भाई खड़ा होना पड़ेगा, चना जीतना पड़ेगी तुमने, तो चना हम खड़ी हो गई, हम तो चना जीत के साहब हमने खड़ा हो गया, तब गांव का नाम पंचायत हुए, जब जाओ हम कोई पेंसिल बनवा दो कोई की दौरे भाई पट्टा नहीं ये कार्ड नहीं राशन कार्ड उसका राशन कार्ड भी करवा दो, कोई की बूढ़ी बड़ी की पेंसिल भी बनवा दो। तो ये मीटिंग में जब जाती हो तो भाषण देना पड़ता है? जैसे भाषण ऐसा देना पड़े भाई आज मेरा हमारी ये जरूरत है, ये प्रस्ताव लिखाना पड़े भाई, वही बात का प्रस्ताव लिखो तब हमारे रोड का प्रस्ताव है तो भाई प्रस्ताव लेना पड़ेगी, कोई की ऐसे कहते भाई पेंसिल है बूढ़ा बूढ़ों की तो इनकी पेंसिल लेनी पड़ेगी, तो उनका ही प्रस्ताव लिखना पड़े। किसी भी आंदोलन की रीढ़ महिला रही है, इसका इतिहास साक्षी है। पाठशालाओं में होने वाली चर्चाओं और इन चर्चाओं के दौरान मिला ज्ञान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में इनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा था, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। साइन करना सीख गई हो? हाँ, साइन करना आए साहब, आपको सिखा दी बच्चा ये लिखिया पढ़िया, हमारे बच्चा स्कूल में जाए बच्चा को सिखा दी मम्मी ऐसी दस्तखत करो ऐसा ना करो, बच्चा ने सिखा दे हमने जब भी सीखी हम।
जहां घुमंतू पाठशालाओं ने शारदा बंजारन जैसी महिलाओं को ग्राम पंचायतों में बैठने की समझ दी, वहीं अंगूठे से नाम लिखने का सफर तय करने में भूमिका रही उनके अपने बच्चों की। प्रताप ने अपनी माँ शारदा का शिक्षक बन न केवल उन्हें दस्तखत करने सिखाए अपितु पत्र लिखना भी सिखाया। जी बच्चा ने सिखाई मैंने, बोले माँ ये किताब लेकर आ, फिर बच्चा किताब लेकर आया, आप किताब दे उसको, किताब को फिर ये लग लग के बोले माँ ऐसे लग तुम, तेरा सहन ऐसे कर, तू ऐसे सहन कर। जब मैं तो खूब लकी खूब पढ़ी, मैंने आई भी नहीं, फिर ही नहीं मैंने सिखाई। जब जाके मेरे वो सहन बच्चा को सिखाई, ऐसे मांड के ऐसे सारी किताब बिगाड़ दी मैंने, तो लगता लगता फिर मैंने सहन करना आ गया। खूब डालता है ये डंडा लेके, ऐसे कहता तुम माता जी तुमको मारूंगा मैं, तुम्हारी पिटाई करूंगी मैं, तुम लखो कैसे नहीं, इतना भाड़ा कहाँ रह गया, आजकल का जमाना को कोई भाड़ा नहीं रहा। मैं हमें तो पढ़वा जाओ, हमारे ऊपर तो मास्टर रहे, जब भी तो पढ़ाओ तुमने ऐसे पढ़ाऊंगी मैं। डंडा लेके खड़ा हो जाता है बच्चा, जब जाके मैं पढ़ी थोड़ा बहुत सहन करना आया मैंने, तो बहुत शर्माती मैंने, मुझको देख जमाना इतना इतना बच्चा ये पढ़ रहा है, जब भी तो बता रहा है, जब मैं पढ़ गई होती, मैं लकी पढ़ी होती, हमारा माँ बाप पढ़वा दी होती, तो मैं ही तो कहीं कागज बाजती, कहीं तख्ती बाजती, कहीं किताब लेके मैं स्कूल में जाती। अब जैसे एक दिली लगाव होता है, ऐसे कह रहे लोग बाग बैठा ना, पहले मीटिंग में बैठा, जब कह रही अरे बंजारी भी पंच बन गई, लोग जो को बन रहे हैं पंचायत में बैठवा लग गई, आगे बंजारी देखो ऐसे भी अभी आपके बड़ा बड़ा अफसर दौरे मनन लग गई, बड़ी बड़ी मीटिंग में बैठने लग गई, इसको बात आने लग गई, ऐसे कह बच्चा को सिखाओ, हमको पढ़िया तो है ना, बच्चा तो पढ़ रहा है, हमको सिखा रहा सामा, बच्चा पढ़ रहा है हमको सिखा रहा सामा, दस्तखत करना सिखा दे। अरे एक तो हड़पंप लगा दिया घर के आगे, अस्थान है रामदेव बाबा, वहाँ हड़पंप लगा दिया, एक अंदरवास कमरा बना दिया हमारी ढाणी में, या स्कूल में दो रसोई बना दी, यार सड़क आने का अब हो रहा है। घुमंतू पाठशालाओं के जरिए टांडों से ग्राम पंचायतों का सफर तय कर चुकी इन घुमंतू महिलाओं ने न केवल शिक्षा के महत्व को समझा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जिले की सबसे बड़ी राजीव गांधी पाठशाला का निर्माण करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पंचायत समेत प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव दे के फिर वो काम पेश होया, जब बनवाया। आज बामनवास में बनी यह राजीव गांधी पाठशाला घुमंतुओं के जीवन में घुमंतू पाठशाला के महत्व का चिन्ह बनकर उभरी है। राजीव गांधी पाठशाला है, बच्चों के लिए स्कूल है, यहाँ तहसील में बहुत बड़ी स्कूल है, तो कम से कम 100 बच्चे हैं यहाँ। जहाँ सुबह बच्चों का तो शाम को मामराज का कथा गुरुकुल चलता है। सुने मास्टर ने कहानी बताऊ, नील मास्टर ने, बात भले ही 3 गांवों की है पर यह खबर 20-25 गांवों में फैल हुई थी। भोर होते ही एक गांव के कौवे दूसरे गांव के ऊपर से उड़ते हुए तीसरे गांव तक जाकर बिना किसी छुआछूत के भोजन जुटाते हैं। मुझे पढ़ रही सोच पढ़ रही, पढ़ाई का ना दोस्त ना समाज का, सारा सारा दोस्त नील मास्टरानी का है। हाँ नील, आज की नील धोबन ही कभी नील मास्टरानी के नाम से जानी जाती थी।
घुमंतु पाठशालाओं को अधिकाधिक घुमंतु डेरों तक पहुंचाने में आई अड़चनों के चलते जन्मे घुमंतु विकास पंचायत की कहानी कहेंगे अगले भाग में। खबर सुबह भाई बाजोर बागा में कहरिया मिखाबान रे कहरिया मिखाबान सारे दिन वो गोरु काली करता गाली खाई एक भी सुबह भाई पाने फूल खा जा जर मैती तोड़ जे डाली। मन बन जा रहा सुन ले 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 बन जा रहा सुन ले मन 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 बन जा रहा 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 मन बन जा रहा सुन ले मन बन जा रहा सुन ले मन बन जा